हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नीराज किचन में गृह लक्ष्मी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिवादन। आज मैं कुछ बथुए से कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि आप सब लोग बनाते भी हों और मेरा तरीका कुछ अलग हो। एक तो मैं बथुए के स्क्वायर्स बना रही हूँ, दूसरे बना रही हूँ दोस्तों बथुए के कबाब, और तीसरी जो यूपी में बहुत अच्छे से बनाई जाती है वो है गर्मा गर्म बथुए की कचौड़ी। तो मैं शुरू करती हूँ, और जिनको नहीं पता है वो देख लें, बथुआ ऐसा होता है। मेरे ख्याल से तो सभी को पता होता है कि ये बथुआ है। तो बथुए को अच्छे से धोना होता है, और उसके बाद में इसको धो के काट के या उबाल के जैसे आपकी मर्जी हो वैसे काम किया जाता है। तो पहले मैं छौंकने का काम करती हूँ कि पहले मैं बना रही हूँ कि मैं बथुए आलू को मैं छौंकूंगी और उसको मैं अपनी कचौड़ी में भरूंगी। ये देखिए मैंने धो के काट लिया है, ये लगभग 3/4 कप है, ये 1 कप है, ये कबाब के लिए है और ये आपके कचौड़ी के लिए है। तो इनको छौंक दूं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम कर सके। ये एक आलू है जिसको मैंने क्यूब में काटा है, लेकिन हल्का सा मैंने इसको पार्बॉइल किया है माइक्रोवेव में ताकि जल्दी से गल जाए और मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि ये इसके साथ में और गल जाएगा, गर्म हो जाए हमारा। ये थोड़ा सा तेल डाला है, देखिए अब ये गर्म हो रहा है। तो ये हो गया, इसमें हमने जीरा डाला है, अब हम डाल रहे हैं ये हींग थोड़ी सी, ठीक है। और हींग के बाद में पहले मैं डालूंगी अपना ये बारीक कटा बथुआ, ये देख लीजिए, ये लगभग कटा हुआ 3/4 कप है। अब ये कटे हुए आलू मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि हम गलाते पूरे तरीके से इसी में है, ये अभी कच्चे हैं, थोड़ा सा माइक्रोवेव में करके छील लिया ताकि इनमें जो है वो जल्दी से गल जाए। और अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च डालूंगी जो ये मेरा कटा हुआ है, तो ये देख लीजिए ये 1 चम्मच के लगभग डाल दिया। दोस्तों मिर्च मसाला आपकी अपनी मर्जी पर है कि आप कितना खाते हैं उस हिसाब से डालिए। थोड़ा सा नमक डालिए क्योंकि बथुए में खुद नमक होता है, लेकिन हम लोग भरेंगे ना इसको, तो इसके लिए थोड़ा सा ये चीनी का पाउडर डाल देती हूँ। ये देख लीजिए, ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ ये दूसरा वाला बथुआ कबाब के लिए छौंक देती हूँ। इसको ढकना है मुझे, मैं निकाल, देखिए ये तो हमने बथुआ आलू छौंक दिया है कचौड़ी के लिए। अब ये जो पूरा 1 कप बथुआ है इसको मैं दूसरी एक कास्ट आयरन की कढ़ाई में छौंकने जा रही हूँ। अब ये बचा हुआ जो अदरक है ना, ये इसी में मैं डाल दे रही हूँ। ये भी कास्ट आयरन है, लोहाई ही है एक तरह से, और हमारा हो रहा है। अब इसमें भी मैं क्या काम करूंगी ना, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिएगा चुटकी भर चीनी डाल दी, चुटकी भर, और इसमें नमक वमक सब कुछ पड़ेगा। पहले थोड़ा सा इसका हम पानी सुखा लेते हैं, ये देखिए ये भी हो जाएगा,
क्योंकि मैं तो दो तीन चीजें इकट्ठी दिखा दूं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये कचौड़ी के लिए है दर्शकों, एक आलू लिया है और 3/4 कप बारीक कटा मेरा बथुआ है, और इसमें मैंने जीरा अदरक हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली है, ये भी होगा अभी 5 मिनट में, और मेरा ये भी होगा। ये देखिए, क्योंकि बथुआ बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है ना, तो ये मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ बथुआ लिया है, मतलब मैंने बारीक काटा है इसको, इसको ब्लांच नहीं किया है, बारीक काटा है। ये देखिए, ये एक आलू है जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया, इसको मैं इसमें डाल दूंगी, और ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें बिल्कुल मत डालिएगा, लेकिन ये है, ये जो है इसका जो पिचपिचापन है उसको दूर करने के लिए, इसको भी मुझे एक प्लेट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देखिए ये हो गया, हमारे अब कढ़ाई चिपकने सी लगी है, इट मीन्स ये हो गया। अब इसमें और क्या क्या सामान डालूंगी इसको थोड़ा सा मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ये ठंडा हो जाए। बथुआ खाते नहीं हो मालूम है, ये बहुत ही पाचक होता है, ये कई बीमारियों को दूर करता है, इक्विवेलेंट टू योर आंवला के बराबर ही होता है इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज है। 1 मिनट इसको मैं हटा दूं, बहुत भारी है, एक हाथ से तो उठा भी नहीं पाऊंगी। ये देखिए हो ही गया है, अब मैं क्या काम करूंगी, क्योंकि आलू तो मेरा पारबॉयल था, वैसे तो मैं इसी में छौंकती हूँ, लेकिन ये था कि जल्दी इसे दिखा पाऊं, इसके लिए मैंने उसको पारबॉयल कर लिया था। ये देखिए, ये देखिए, बहुत से लोग पालक बथुए को उबाल के डालते हैं तो वो सारी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो जाती है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिएगा अब इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, बस ये मैश हो गया है। आप न्यू ईयर ईव पर बना रहे हो, एक दिन पहले बना के रख दीजिए, इसका डो बना लीजिए और उसके कबाब आप बना के रख दीजिए, है। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे ये आप देख लीजिए, आपको बताए, बहुत से लोग डालते हैं बहुत से नहीं डालते हैं, तो मैं क्या क्या डालने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, जो नहीं खाता है वो नहीं डाले, ये धनिया जीरा और कश्मीरी मिर्च होती है उसका बीज निकाल के मैं पीस के रखती हूँ अपने यहाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, और आधा चम्मच के लगभग ये अमचूर पाउडर है, जिसको जो डालना हो ना वो डाल सकता है, और ये है हमारा सौंफ का पाउडर, ये देखिए ये डाल दिया मैंने, ये देखिए थोड़ा सा इसमें तेज पड़े ना तो मैंने डाल दिया, और अब देखिए कि इसमें मैं क्या चीज डालने जा रही हूँ दोस्तों। ये मैं है ना, ये भुने चने हैं, मैं इसको पाउडर में पीस के ये रखती हूँ, अब मैं इसमें इसको मिला दू, थोड़ा सा डालूंगी, ये देख लीजिए, इससे एक तो सोधापन आ जाएगा और दूसरा अच्छा लगेगा, ये देखिए ज्यादा नहीं डाला मैंने, 2 चाय के चम्मच डाला है, और ये अब मैं बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि हमारा ये डो तैयार हो गया है, मिश्रण भरने के लिए कचौड़ी में तैयार है, इसको फैला दूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से किया है ताकि जल्दी से ये सूख जाए। अब मैं कबाब के लिए भी आपको पहले दिखाऊं। अब ये आ गया, ये देखिए हमारा ये ठंडा हो गया,
अब इसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ, एक तो ये मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अगर आप नहीं खाते हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा, सिर्फ अदरक डालिएगा। बना के रखती हूँ मैं, तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। और ये थोड़ा इसमें भी मैं ये धनिया जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, और क्या डालूंगी, ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ये देख लीजिए, और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पड़ता है, ये देखिएगा, ये गरम मसाला डाल दिया मैंने। और ये बताऊंगी बाद में इनको दोनों चीजों का, ये यही है मैंने, ये वन फोर्थ कप है ये, ठीक है। तो लहसुन डाला है और मसाले डाल दिए, और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, डालिए कितना लगेगा ये आपको अंदाजा मिल जाएगा। और अभी थोड़ा सा नमक हम चख के डालेंगे इसमें कि नमक कैसा है, देखिएगा आप, ये बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। और इसमें और भी क्या होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास में नहीं हो, ये भुना चना नहीं हो, तो आप बेसन को भी हल्का सा भून लीजिए, है ना, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये देखिए ये हो गया बहुत आराम से, ठीक है। डाल देती हूँ नमक इसमें, अब मैं इसका क्या करने जा रही हूँ वो एक अलग है, उनको जोड़ देती हूँ, हटा दू यहाँ से, देख लीजिए। आप चाहे मटर भी मिला सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ बथुए पे ही हमें अच्छा लगता है, तो मैंने ये किया है। अगर आप उसमें थोड़ा सा आलू का नहीं डालेंगे तो आपका ये जो भुने बेसन का आटा है ना, इसको आपको ज्यादा मिलाना पड़ेगा। अब बारी आई इसकी बनाने की, ये देखिए ये पनीर है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक, काली मिर्च, और ये देखिए काजू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देख लीजिए, ये करके इसमें रखे हैं। ये बीच में भरेंगे आप, किशमिश भरिए या काजू भरिए, तो उस तरह से ये हो जाएंगे। अब मैं क्या काम करती हूँ कि चार या पांच बना लेती हूँ और मैं बाद में बनाऊंगी। ये देखिए यूं किया, और बीच में थोड़ा सा ये लिया आपने, क्योंकि इसमें नमक, काली मिर्च और मैंने काजू मिलाया हुआ है, और बस इसको आप बंद कर दीजिए। ये देखिए कुछ नहीं करना है, तो ये आपका बन गया। और कोई पहचान भी नहीं पाएगा, बच्चे पनीर तो खाते हैं, और मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं खाती। ये देखिए हो गया, ये एक और बचा है, जब तक मैं फिर दूसरा काम करूंगी, इसको हटा के इसको बाद में सेकूंगी, पहले मैं आपको कचौड़ी दिखाऊंगी और उसके बाद में चिप्स दिखाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे बने हैं, मैंने कल ही बनाए थे, तो लगा आप लोग को भी दिखा दूं मैं। ये देख लीजिए ये हो गए ना, ये अब मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने आटा इसका मार के रखा हुआ था, तो
तो मैंने कैसे मारा और क्या किया ये चीज आपको मैं दिखा दूंगी। ये है, इसमें मैंने नॉर्मल आटा है और 2 टेबल स्पून मैदा मिलाई है, ताकि थोड़ा सा, और उसमें 2 टीस्पून मैंने देसी घी का मोयन लेके और तब इसको मार लिया है। तो ये देख लीजिए, क्योंकि यदि मैं पहले वो चिप्स बनाऊंगी ना तो कढ़ाई मेरी जो है वो तेल उसका हरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं इसको कर दूं और फिर चिप्स के साथ में वो कर दूंगी। ये मैं रिफाइंड में बना रही हूँ, ये देखिए, मैं उसको इसमें भी 4 ले लेती हूँ, जब तक मैं दूसरी चीज भी आपको दिखा दूंगी और दूसरा भी। आटे में आप 1 टेबल स्पून के लगभग अगर डाल लेते हैं कचौड़ी, उसमें मैदा, तो थोड़ा सा उसका रंगत अलग हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो आटा पिसाते हैं। दिखा देती हूँ अब किसे, ये देखिए, ये है ना, थोड़ा थोड़ा मैंने बेल लिया, मैं जल्दी में दिखा कर रही हूँ। तो और ये लिया, थोड़ा सा डाला और चारों तरफ से उठा के इसको मैंने बंद कर दिया, हो रहा है। और दोस्तों, जब तक ये हो रहा है, मैं आपको जो हमारी तीसरी चीज है उसको भी मैं दिखाना चाहूंगी कि उसको मैं कैसे करूंगी। ये दोस्तों, ये देखिए, जो मैं चिप्स बनाऊंगी ना तो ये उसके लिए है। अब ये क्या मैंने किया है, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा मक्की का आटा, ठीक है। ये देखिए, ये 1/2 कप मक्की का आटा है और उसमें ये 1 टेबल स्पून नपा हुआ मैंने मैदा मिलाई है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें थोड़ा सा मिर्च डाली है, थोड़ा सा ये धनिया जीरे का पाउडर डाला है, ये तिल डाले हैं, नमक डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर देसी घी डाला है। बथुआ कितना डाला? बथुए का मिश्रण है, ये देखिए, बथुए को मैंने ब्लांच किया था, उसके बाद इसको मैंने पीस लिया था मिक्सी में। तो आप उससे मार लीजिए जितना लगे, वैसे 1/2 कप में 1/4 कप के लगभग लगा है, इसमें ज्यादा पानी मत डालिएगा, बहुत जरा से पानी से ही हो जाएगा ये। तो उस तरह से है ये, तो ये जो है इसको भी मैं करूंगी इस तरह से। मैंने मार लिया है और वो इसलिए डाला है कि मक्की के आटे के साथ में बथुए को मिला के इसके मैं चिप्स तैयार करूंगी। तो मैं अब इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ये देखिए इतनी बढ़िया निकली है, ये देख लीजिए, देखा आपने, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। ये एक और बची है, कर देती हूँ जब तक कि मैं उसको, मैं बेल के ही बनाती हूँ दोस्तों, हमारे यहाँ यूपी में बेल के ही बनती हूँ। तो लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि इसके बीच में थोड़े मिर्च मसाले अपने हिसाब से डाल दीजिए, और थोड़ा सा भुने चने का आटा आप डालते हैं तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, मेरा मानना है। ये देखिए, इसको फिर मैंने फोक से कर दिया है दोस्तों। लास्ट चीज देखिए तैयार हुई,
जैसा मैंने कहा था आपको, बथुए की कचौड़ी, बथुए के स्क्वायर्स और भुने बथुए के शामी कबाब। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीजें आपको जरूर पसंद आई होंगी। और नए साल की एक बार पुनः सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और वह लक्ष्मी मैगजीन के साथ भी जुड़े रहें।